लेके, ये सारे के सारे पैड ग्राउंड है, ठीक है। तो हमें चेक कैसे करना है, तो सीपीयू लगाने के बाद आपका फोन क्यों चालू नहीं होता है, तो ये रीजन मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कितनी सारी मेरे पास रैम है। और जब भी आप इस तरह का सीपीयू बनाते हैं, देखिए जब भी आप इस तरह का सीपीयू बनाते हैं आप नोटिस कर रहे हैं, और आप सीपीयू लगाने के बाद आपका फोन क्यों नहीं चालू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करो। तो इस पर मैं एक और एक दो वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैं क्योंकि इसको टॉपिक पर समझाना चाहता हूँ। तो सीपीयू लगाने के बाद आपका फोन क्यों चालू नहीं होता है, तो ये रीजन मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे रीजन है, आप सीपीयू लगाते हैं तो सीपीयू को भी हीट कर देते हैं, सीपीयू खराब हो जाता है, यहाँ पर ये जो पैड लाइन होती है ये भी हमें चेक करना होता है। बट अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रैम। तो ये रैम टेस्टिंग में आपको सिखा रहा हूँ, और ये एक इंस्टीट्यूट का पेड कंटेंट होता है, कोई इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ ये आपको रैम की चीज़ों को कि कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये बताने के लिए आपको बुला सकते हैं। दोस्तों मैं सच बताऊँ, ये वीडियो देखने से पहले तो आप भले ही एसर टेलीकॉम को मत ज्वाइन करो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसर टेलीकॉम को किसी भी ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है जो ये सोच के आए कि उसको बैठने के लिए अच्छी गद्दी वाली चेयर या सर पे एसी या चार पांच अगल बगल खूबसूरत मैडम अगर मुझको चाहिए घूमने के लिए लाल किला, तो भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ, अगर आपको मजाक में 10 घंटे का सफर नहीं करना है कि 10 घंटे की बात करें और एक घंटे तो सिर्फ आपको एक 10 घंटे में एक घंटे के दो दो घंटे के तो खाली आपके रिसेस हो, तो आपका क्या मायने रखता है वो 10 घंटे। आप दो तीन घंटे तो ऐसे बैठ कर सिर्फ देख ही रहे हो, तो आपको क्या मायने रखता है वो 10 घंटे। तो मुझे लगता है, और जहाँ 40-50 स्टूडेंट जा रहे हो तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखो हम 25 मैक्सिमम 20-25 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, और हम जानते हैं क्योंकि बहुत भीड़ में पढ़ाना, बहुत पीछे तक बच्चे बैठाना, आप देखो कि आपको सोचो कि 8वें-10वें रूम में बैठकर आप क्या ही सीख लोगे, क्या आप टीचर को देख लोगे, क्या आप टीचर से पूछ लोगे, तो बेकार की बातें हैं। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें दिमाग ये रखिए कि वो इंस्टीट्यूट ट्रिकों पे नहीं काम करता हो, क्योंकि 2-4 ट्रिकें देने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, डेमो क्लासेस का कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों देखो किसी भी इंस्टीट्यूट के डेमो क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, हम भी अपने इसलिए डेमो क्लासेस कभी नहीं देते थे ना ही आज देते हैं। बस डेमो क्लासेस पे हम इतना सियोर जरूर देते हैं कि आप 4 दिन में अगर आपको लगे हमारी डेमो क्लासेस नहीं, मेन क्लासेस जिसमें हम सीपीयू लगा के ही भेज रहे हैं, अगर आपको उसमें भी सेटिस्फेक्शन ना हो तो आप बिल्कुल पैसे लेके जा सकते हैं, और ये आप पर होना भी चाहिए। तो फिलहाल डेमो क्लासेस का मतलब ये नहीं है, देखो आप एक दिन दो दिन किसी की डेमो क्लासेस ले लो तो क्या होगा, आपको वो चीज बताई जाएगी जो आपको नहीं पता होगा। पर 4 दिन तक आप अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हो और 4 दिन तक भी आप ऐसी चीजें जान रहे हो जो आपने कभी नहीं देखी है यूट्यूब में ना कहीं, और आपको लग रहा है कि वर्थ है, तो आप अपना पैसा सही जगह लगाएं। और अगर आपको सही जगह मिले, कई जगह मैंने ये भी सुना है कि 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, 3-4 दिन के बाद में कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, या फिर वो स्कीमेटिक, देखो आप ऐसे इंस्टीट्यूट को भी नहीं ज्वाइन करो जो सिर्फ स्कीमेटिक पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, या ऐसे भी मत ज्वाइन करो जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो आपको माइक्रोस्कोप दे देंगे बोलेंगे, और एक बोर्ड पकड़ा देंगे बोलेंगे लो इस पे काम करो। और ऐसे भी जगह में मत जाओ जो J2 इस तरह के बोर्डों पे काम कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट पे भी मत जाओ जो सिर्फ MI के फोन पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि एसर टेलीकॉम इनमें से बिल्कुल अलग है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको वीवो के उन लेटेस्ट सेटअप में पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको उन सर्किटों को समझाऊंगा जिनका डायग्राम नहीं है, तो ये क्यों, क्योंकि ये हम जानते हैं, हमें नॉलेज है। आप बूटिंग सीक्वेंस की बात करें या फिर हम किसी भी सेक्शन की बात करें, हमें समझना बेसिक से ही पड़ेगा, आपको 0 लेवल पे आना पड़ेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं रैम को कैसे चेक करें। देखिए मेरे पास बहुत सारी रैम है,
यहाँ पर। अब इसमें से मैं बात करूँ, ये A50 M30 की रैम है। अब ये इसमें से कौन सी रैम मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये इस मोबाइल में भी मुझे रैम लगाना है, तो हालांकि मैंने इसकी रैम भी मिस कर ली है, नोटिस करो। तो दोस्तों जो रैम आपके पास आएंगी वो दो, सबसे पहले आप जान लो कंपनी की आएंगी, ठीक है। तो दो कंपनी की रैम आएंगी, एक आएगी आपके पास माइक्रोन की, जिस पे ऐसा एम लिखा होगा, आप फोटो खींच सकते हैं। एक आएगी आपके पास माइक्रोन की, जिस पे आपको ये एम लिखा होगा ये, और एक आएगी सैमसंग की, जिसपे आपको के से नंबर लिखा होगा, देखिए, ठीक है। तो दो रैम आएंगी आपको, एक माइक्रोन और एक, अच्छा नोटिस करो कई बार ये रैम ऊपर से टूट जाती है। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में तो हालांकि नहीं कवर कर पाऊंगा, पर मैं अगले किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आइए चले। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी रैम चेक करना है तो मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूं, नोटिस कीजिए। इस रैम में सबसे पहले आप देखिए, एक आपको दो सी दिखाई दे रहे हैं, एक आपको ये बड़ा सी दिखाई दे रहा है और एक आपको ये छोटा सी दिखाई दे रहा है। तो आपको जो बड़ा सी है दोस्तों, ये सारा का सारा ग्राउंड होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए मैंने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखा हुआ है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे पैड ग्राउंड है और ग्राउंड का GR देखिए आप, ये देखिए, ये सारे के सारे पैड ग्राउंड है, ठीक है। तो हमें चेक कैसे करना है, आपको रेड प्रूफ को पहले नोटिस कीजिएगा, आपको रेड प्रोब को कोई सभी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सबसे पहले मैं आपको सैमसंग ही चेक करवा के दिखा रहा हूं। आपको रेड प्रोब को इस बड़े सी पे रखना है, किसी भी एक बॉल पे, आपको रेड प्रोब को इस बड़े सी पे रखना है किसी भी एक बॉल पे। देखिए मैं अच्छे से क्लियर करवा दूं, ये नोटिस करना। और उसके बाद में जो ब्लैक कलर का प्रोब है उसको है ना, यहां से ये छोटा सी चालू होता है, उसके बाद इन दो पैड को छोड़ के जो उसके बाद के दो पैड है उसका आपको GR चेक करना है। तो उसका GR ऐसा नहीं आना चाहिए, अगर ये GR आ रहा है तो उसका मतलब समझो कि आपकी रैम शॉर्ट है। तो सैमसंग में GR आप नोटिस करो ये मिलेगा आपको 05, 06 इस तरह से दोनों पैड पर, क्योंकि ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है और VDD की लाइन है, ज्यादातर यही लाइन शॉर्ट होती है। अब हालांकि रैम के तो पूरे GR हैं और मैं पूरी डाटा शीट आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे कमेंट पर जरूर बताना। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ एक VDD की लाइन के हिसाब से रैम बता रहा हूं, क्योंकि रैम के तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं यहां पर चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसको रिवर्स लेंगे तो आपको बीप नहीं आनी चाहिए, नोटिस करना। तो देखिए अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों चेक करना है। तो देखिए रेड वाला अब मैं यहां रखूंगा, ऐसा नहीं आना चाहिए आपको 00, देखिए। तो नोटिस कीजिए एक रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रैम है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए ये जो रैम का नंबर है, नंबर देखिए KF K4U CE30। अब एक दूसरी रैम यूज करता हूं मैं, यहां पे देखिए तो K4U JE31। सो नोटिस कीजिए ये CUE30 है और ये CJE31 है। अब इस रैम को हम चेक करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया बड़े सी पे कहीं पे भी रख लो और छोटे सी पर दोनों ओर चेक करो, ये देखिए तो 05 बिल्कुल सही। अब रिवर्स कर लो, अब रेड को रखो तो रीडिंग, ये देखिए इसका मतलब ये रैम एकदम सही है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं माइक्रोन की रैम, सो देखिए दोस्तों माइक्रोन की रैम को हम चेक करेंगे, नोटिस कीजिए। यहां पर हम देखिए माइक्रोन की रैम को हम चेक कर रहे हैं, बड़े सी पे रखा, ठीक है 00 मतलब ग्राउंड,
अब यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो इसका जो जी आर है वो सैमसंग से थोड़ा और ब्लो आता है। रिवर्स करेंगे, देखिए तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं आना चाहिए। अब जब इसको बोर्ड में लगाएंगे थोड़ा इसका जी आर बढ़ जाएगा और 09 010 इस तरह से चला जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम माइक्रोन की रैम लगाते हैं हमको यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये हमें शॉर्ट आता है, क्योंकि ये रैम का कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमको शॉर्ट आएगा। तो हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए मैंने अलग अलग बहुत सारी रैम रखी है, एक बार मैं फिर से आपको रैम चेक कर देता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। देखो ये सैमसंग का है 30, तो यहां पर बीप पर जी आर और रिवर्स में नो बीप। तो इसका जी आर थोड़ा 150 से ज्यादा आ रहा है, 2600 आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपका आईसी अंदर से इस तरह से मेल्ट हो जाता है या फिर ये घिस जाता है और दो पैड आपस में घिस जाते हैं, तो इस तरह अगर आप आईसी को रिवोल्व करोगे तो कभी बॉल बनेगी नहीं, तो उसका सही क्या है ये भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि ये दोस्तों ये कोई ट्रिक है नहीं हमारे लिए, और इससे कहीं ऊपर है मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग में दोस्तों बहुत जरूरी है बेसिक का नॉलेज, उसके बाद सर्किटों का सही तरीके से नॉलेज। तो टोटली आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए। और एसर टेलीकॉम अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल भरोसे से ज्वाइन कीजिए, एसर टेलीकॉम को भरोसे से ज्वाइन कीजिए दोस्तों। एसर टेलीकॉम को किसी अफवाह में ज्वाइन मत कीजिए, किसी भी प्रकार की अच्छी भी हो बुरी भी, ठीक है। खुद आइए, खुद का निर्णय लीजिए, क्योंकि 10 लोग में से 8 लोग सही राय भी देंगे, 2 लोग भटकाएंगे भी। तो देखिए दोस्तों न्यू ईयर आने वाला है और दिवाली गुजरी है, तो वीडियो आपको बहुत सारे मिले हैं एसर टेलीकॉम में, सो उसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कुछ और नया आपको टॉपिक में देता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। कब को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।